वाराणसी से बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट है। 6 मई को अपनी पेशी के दौरान एक बार फिर बौखलाहट में पागल हुआ समर सिंह और कोर्ट में ही कर दिया ऐसा कांड कि लोगों की निकल गई चीखें, खुद के वकील की भी पड़ी लानतें। कर दी ऐसी हरकत कि अब कम से कम इस जन्म में तो जमानत मिलना हुआ नामुमकिन। तो आखिर इस पर कोर्ट में समर सिंह ने क्या किया तमाशा? जब वकीलों की दलीलें भी हो गई फेल तो कैसे उन पर भड़का समर सिंह, और फिर कर दी कौन सी हरकत की पड़ गई जज की फटकार? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो समर सिंह आकांक्षा मामले में 6 अप्रैल की देर रात गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं इस बीच पुलिस को समर सिंह की 5 दिन की रिमांड भी मिली, जिसमें समर सिंह ने कई झूठ बोले तो काफी सच भी उगले। हालांकि पहले वो कहता रहा कि आकांक्षा के साथ उसका सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता था, पर्सनल नहीं। मगर पुलिस ने जब समर सिंह का मोबाइल खंगाला, उसके फोन का डेटा एक्सेस किया, लोकेशन पता की, तो समर सिंह ने आखिर ये सच कबूल कर ही लिया कि हाँ, दोनों के बीच रिश्ता था और वो लिव इन में भी साथ रह चुके थे। मगर फिर भी समर सिंह इन 5 दिनों में हर बार यही कहता रहा कि आकांक्षा को लेकर उस पर लगा हर आरोप झूठा है। उसने आकांक्षा के साथ मारपीट की या उसे डराया धमकाया, ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा ये पापी समर सिंह कहता रहा। और उसकी रिमांड के 5 दिन पूरे हो गए और तब अचानक आकांक्षा खुद आ गई इस पापी के खिलाफ गवाही देने, जहां वो साफ साफ बता गई कि अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ समर सिंह ही होगा। और आकांक्षा के इस वीडियो ने इस केस के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। ये केस पूरी तरह एक तरफा हो गया, पूरी तरह आकांक्षा के पक्ष में चला गया। जहां समर सिंह के 3 वकीलों में से 2 ने तो ये वीडियो सामने आते ही केस छोड़ दिया, मगर किसी तरह एक वकील को पैसों का लालच देकर समर सिंह ने रोक लिया और वही एक वकील 6 मई की सुनवाई में कोर्ट पहुंचने वाला था। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं 6 मई की सुनवाई से पहले, सुनवाई के दौरान और सुनवाई के बाद क्या क्या तमाशे हुए, समर सिंह ने कब कब कहां कहां क्या क्या नौटंकी की। तो जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि समर सिंह जेल में न ठीक से खा पी रहा है और न ही सो रहा है। अब उसे पता था कि 26 अप्रैल को जमानत के लिए दाखिल किए गए उसके प्रार्थना पत्र पर 6 मई को सुनवाई होनी है, जिसके लिए उसे कोर्ट में पेशी के लिए जाना है। तो वो सारी रात इसी खुशी में रात भर जागा रहा और सुबह बिना कहे ही नाश्ता किया, नित्यक्रम कर नहा धोकर तैयार भी हो गया। अब कोर्ट में 11 बजे पेशी होनी थी, मगर 8 बजे समर सिंह को मेडिकल के लिए ले जाना था। अब यहाँ समर सिंह ने जिद पकड़ ली कि वो मेडिकल के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में ही जाएगा, क्योंकि जेल में रहते रहते उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है और उसे सरकारी अस्पताल की जांच पर भरोसा नहीं। हालांकि उसे बहुत समझाया गया कि उसके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो उसके मेडिकल रिपोर्ट में वो जरूर मेंशन की जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जमानत पर फैसला लेगी। मगर समर सिंह ने तो जैसे अपने मन में ठान लिया था कि इस बार उसे मेडिकल के लिए प्राइवेट अस्पताल ही जाना है, ताकि वहां वो अपने डॉक्टर से सेटिंग कर रिपोर्ट अपने हिसाब से बनवा सके और जिसके बाद उसे जमानत मिलने के रास्ते खुल सके। अब समर सिंह की इस जिद के आगे जब जेल कर्मी हार गए तो उन्होंने जेलर को पूरा मामला बता दिया और जेलर ने आकर समर सिंह की हेकड़ी निकाल दी। जी हाँ, दरअसल जेलर ने समर सिंह से साफ साफ कह दिया कि ये जेल है, उसकी किसी फिल्म का सेट नहीं, जहाँ उसकी ये नौटंकियां बर्दाश्त की जाएंगी। जेल के नियम, कानून के नियम सबके लिए एक समान है और नियम के मुताबिक हर कैदी का पेशी से पहले मेडिकल सरकारी अस्पताल में ही कराया जाता है और समर सिंह का भी मेडिकल सरकारी अस्पताल में ही कराया जाएगा। और अगर उसने अब भी एतराज जताया तो जेलर उसके खिलाफ ये शिकायत ऊपर तक पहुंचाएगा, जहां से ये शिकायत कोर्ट तक पहुंचेगी और हो सकता है कि शायद जो फैसला उसके पक्ष में आने वाला हो वो ये शिकायत मिलने पर बदल जाए और समर सिंह को जमानत मिलने के बजाय सजा बढ़ा दी जाए, कड़ी कर दी जाए। अब ये सुनते ही शेर की तरह दहाड़ने वाला समर सिंह एकदम मेमने की तरह गरियाने लगा और चुपचाप सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए तैयार हो गया। अब इस तमाशे की वजह से आधे घंटे के डिले के साथ 8:30 बजे उसे मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां 9:30 बज गए और उसके बाद पुलिस की गाड़ी समर सिंह को लेकर 10:30 बजे कोर्ट के बाहर आकर रुकी। अब यहां समर सिंह के स्वागत के लिए आकांक्षा के गुस्साए फैंस एक बार फिर तैयार बैठे थे। अब आपको याद ही होगा दोस्तों कि कैसे पिछली बार जब समर सिंह पेशी के लिए कोर्ट पहुंचा था तो तब भीड़ ने उसकी क्या दुर्दशा कर दी थी, मगर इस बार तो ये भीड़ रोती बिलखती आकांक्षा को देखकर आई थी। इस बार तो लोगों में समर सिंह के लिए पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा था। तो जैसे ही समर सिंह पुलिस की गाड़ी से उतरा तो इस बार फिर भीड़ ने पापी समर सिंह को घेर लिया। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद समर सिंह पर लोग टूट पड़े, कोई कहीं से घूंसा मारता दिखा तो कोई लात, कोई बाल खींचता नजर आया तो कोई शर्ट का गिरेबान, सबके मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल था,
तूने आकांक्षा के साथ ऐसा क्यों किया? एक फैन जोर से कहता सुनाई दिया, तुझे अगर अदालत से सजा ना भी मिली तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। एक ने कहा, इसे हमारे हवाले कर दो, हम करेंगे इसका इंसाफ। अब इस गुस्साई भीड़ को संभालना पुलिस के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। लोगों को इस कदर आक्रोश में देखते हुए पुलिस भी थोड़ा घबरा गई। कोई अनहोनी न हो जाए इसलिए 6 पुलिस कर्मियों ने समर को बीच में रखते हुए सुरक्षा घेरा बना लिया और उसी घेरे के अंदर उसे इस गुस्साई भीड़ से बचाते बचाते किसी तरह कोर्ट तक पहुँचाया गया। अब ये तो ही कोर्ट में पेशी से पहले हुए तमाशे की बात, मगर इसके बाद असली वाला ड्रामा, असली वाला तमाशा तो कोर्ट के अंदर जज के सामने हुआ, जो हम अपनी अगली रिपोर्ट में पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। तो आपका समर सिंह की इस नौटंकी पर, इन नखरों पर क्या कहना है, और क्या समर सिंह के साथ गुस्साई भीड़ ने जो किया सही किया? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आकांक्षा मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर खुलासे के साथ इस केस में कई नए सवाल भी आकर खड़े हो रहे हैं। ये सारे सवाल कहीं न कहीं सारनाथ के उस होटल को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जहां आकांक्षा ने अपने आखिरी पल बिताए थे। जहां आकांक्षा आई तो अच्छी भली थी, मगर उस होटल से कभी जा न सकी। होटल का वो कमरा अच्छी भली हंसती खेलती आकांक्षा को खा गया। 25 की उस काली रात आकांक्षा अपने फैंस को छोड़कर चली गई और पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गई। अब एक और सवाल ने फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, दरअसल सोशल मीडिया पर आकांक्षा केस में कमरे की चाबी को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि आकांक्षा के कमरे की चाबी पुलिस को नहीं मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आकांक्षा के साथ वो हादसा होने के बाद जब होटल स्टाफ ने वो कमरा खोला तो आकांक्षा की चाबी उस कमरे में होनी चाहिए थी, मगर सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो पूरे कमरे की छानबीन के बाद पुलिस को वो चाबी कहीं नहीं मिल पाई और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, कैसे इतने बड़े क्लू को इग्नोर कर सकती है, या फिर पुलिस सब जानते समझते भी कुछ करना ही नहीं चाहती, तभी इतने बड़े क्लू पर कोई जांच नहीं की गई, होटल स्टाफ के मेंबर से कड़ाई से पूछताछ नहीं की गई कि आखिर आकांक्षा के पूरे स्टे के दौरान कौन कौन कब कब आकांक्षा के कमरे में आया, कब गया, क्या हाउस कीपिंग से आकांक्षा की गैर मौजूदगी में भी होटल स्टाफ की तरफ से कोई गया था, आकांक्षा के स्टे के दौरान का सीसीटीवी फुटेज क्यों होटल से नहीं मांगा गया। वहीं होटल पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर होटल पुलिस के आने से पहले कैसे मास्टर चाबी से उस कमरे को खोलकर अंदर चला गया, क्योंकि इस तरह के केसेस में जब तक पुलिस घटना स्थल पर न पहुंच जाए उस जगह पर किसी का जाना अलाउड नहीं होता, किसी चीज को छूना हटाना अलाउड नहीं होता। फिर कैसे होटल स्टाफ ने न सिर्फ मास्टर की से उस कमरे को खोला बल्कि पुलिस की गैर मौजूदगी में वो कमरे के अंदर भी चले गए। ऐसे में होटल पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस का ये भी मानना है कि अगर संदीप सिंह वाकई उस कमरे में सिर्फ 17 मिनट था तो कहीं वही तो चुपचाप कमरे की चाबी चुराकर होटल स्टाफ के किसी कर्मचारी को नहीं दे गया जिसने कमरे में जाकर आकांक्षा के साथ वो सब कर दिया, या फिर समर सिंह के किसी प्लांटेड आदमी का ये काम हो जिसने आकांक्षा की गैर मौजूदगी में या होटल स्टाफ के किसी कर्मचारी से सांठ गांठ कर वो चाबी हासिल कर ली हो और मौका देखकर वो आकांक्षा के कमरे में चला गया हो और चुपचाप आकांक्षा को खत्म कर वहां से निकल गया हो, क्योंकि शुरुआत से ही होटल स्टाफ पर सवाल उठते आए हैं।